11/16 है आपके पास, 11/16 है, 11/16 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, आप ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में क्या है कि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू भी लगानी है। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे हम, क्या कर रहे थे अब तक कि पाई अपॉन 180 कर रहे थे, तो यहाँ पर हम करेंगे 180 अपॉन पाई। तो ये देखिए, जब मैंने इतना कर दिया तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटू 180 22 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, ठीक है, 7 है ये वैल्यू। इतना हो गया, जब इतना हो गया तो ये 11 से 2 टाइम गया, 11 से 2 टाइम गया, 2 से 99 बार गया, 90 बार, ठीक है। तो जब आपकी वैल्यू जो आपके पास आई वो रही 630 अपॉन 60, क्लियर। जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा, तो 39 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 39 टाइम जाएगा, और राइट में जो आंसर आने वाला है वो रहेगा 3/8, क्या रहने वाला है, 3/8। बट एक कंडीशन समझिएगा भाई, ये तो राइट में आंसर था, इतना राइट में आंसर है, तो अब हमें करना क्या होगा, जब ये राइट में इतना आंसर आ रहा है तो हमें करना ये है कि देखिए, जब ये तो वैल्यू है ना, इसे भी हमें प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर सेटिस्फाइड करना है। तो ये 39 तो डिग्री हो गया, डिग्री को रख दीजिए अलग, और जो बचा है उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं इसमें 60 का मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई, देखिए इसको करिए, यहां पर आप क्या किया, 4 से गया, 4 से गया 2 टाइम, और 4 से यहां करिए, देखिए 4 1 4 और 4 5 15 टाइम, तो ये कट गया पूरा पूरा, यहां पर हो गया 45, कितना हो गया 45। तो ये जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही है, यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, 45/2। तो जब मैं 2 का इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना बार जाएगा भाई, आप ही बताएं, 24 बार तो नहीं, 22 बार, 22 1/2 होगा, देखिए 1/2। जब मैंने यहां पर आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 1 मिनट आपको 60 सेकंड लेता है, तो 1 मिनट 60 सेकंड लेता है, तो ये तो मिनट हो गए 22 मिनट, और ये आपका सेकंड है भाई, सॉरी हाफ मिनट है, तो मिनट है, ये हाफ मिनट है, तो हाफ मिनट को 30 सेकंड नहीं लिख सकता क्या मैं, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन का आंसर है आपका 30 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप 4 वाले को कर लीजिए, 4 वाला क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड, -4 है, -4 में आप क्या करने वाले हैं, -4 में आपने किया 180 अपॉन 22 इंटू 7, क्लियर, 180 22 अपॉन 7, क्लियर। चलिए मान लेते हैं ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए आप, इसका मल्टीप्लाई हो गया 28 इंटू 180 अपॉन 22, क्लियर, ये हो गया। तो जब 22 है, 11 टाइम, 2 से 11 टाइम कटा, और ये 2 से 14 टाइम कट गया, तो ये 14 हो गया, देखिए माइनस का 14 इंटू 180 अपॉन 11, इतना आ गया भाई, इतनी वैल्यू को आप कर सकते हैं। और इसका डिवाइड आप इसी प्रोसेस से करिएगा, इसका डिवाइड इसमें दीजिएगा, जो सही वटे में आएगा उसे एक साइड रखिएगा, और जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू में 60 का मल्टीप्लाई करिए, देन उसे पूरा सॉल्व करिए, फिर सही वटे में जो आएगा उसे जो आप डिग्री रेट, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूं, तो मैं इसका टोटल आपको करके देता हूं, टोटल जो है कैलकुलेशन करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो आ रहा है 14 इंटू 180 यानी कि 2520 आ रहा है, 25 माइनस का 2520 अपॉन 11 आ रहा है, 2520 अपॉन 11 आ रहा है, और 2520 को जब मैं आपको कन्वर्ट करूंगा उसमें, इसका डिवाइड देके देखेंगे, तो डिवाइड देखने पर यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या वैल्यू इसकी आने जा रही है। जब मैं इसकी डिवाइड की वैल्यू देखूंगा, देखें तो लमसम आपकी जो वैल्यू आ जानी चाहिए वो आ जानी चाहिए 29 1/11, इतने करीब वैल्यू आ जानी चाहिए। तो 9 जो 22 ये 29 हो गया, 229 है, 229 तो आपका डिग्री हो गया, 229 तो आपका डिग्री हो गया, इंटू 1/ इसमें 60 का मल्टीप्लाई करिए तो ये मिनट हो जाएगा, देन फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस वैल्यू को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है।
ठीक है।